हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिटफुट। ये वीडियो है बिगिनर्स के लिए। अगर आप भी बिगिनर्स हैं तो ये आपको एक डायरेक्शन देगी कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए। इसमें हम बेसिकली 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे, ये चीज़ें आपको इवन जिम शुरू करने से भी पहले करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। ये एक पूरी सीरीज बनाई है हमने बिगिनर्स के लिए, जिन्हें समझ में नहीं आता कि जब हम शुरू कर रहे हैं जिम तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या डाइट में फॉलो करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, तो इसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि जिम शुरू करने से भी पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं। ऑब्वियसली सबके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जिनके लिए वो जिम जाते हैं, बट इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमने किसी की वीडियो देखी, सपोज़ किसी पावर लिफ्टर की वीडियो देखी, उस दिन हम क्या करेंगे, जिम में जाकर बहुत सारा वेट उठा लेंगे क्योंकि हम उससे मोटिवेट हो गए। नेक्स्ट डे कुछ दिन तक हम ऐसा करेंगे, बट हम जिसकी भी वीडियो देखकर मोटिवेट हुए हैं, हमने सिर्फ उसकी वो वीडियो देखी है जिसमें वो अच्छा खासा वेट उठा रहा है, बट उसके पीछे की प्रिपरेशन हम नहीं देखते, तो हम सिर्फ उसी को रिपीट करते हैं जो हमने देखा है, बट उसकी प्रिपरेशन क्या होती है वो हमें नहीं पता। बैक टू द पॉइंट, आप क्या करेंगे, कुछ दिन जाकर जिम में वेट उठाएंगे, बट आप देखेंगे फिर प्रोग्रेस नहीं हो रही होगी। कई बार क्या होगा, फिर आप किसी ऐसे बॉडी बिल्डर को देख लेंगे जिसकी बहुत अच्छी बॉडी है, फिर आप किस चीज़ पर ध्यान देंगे कि आपको अपनी मसल्स बिल्ड करनी है, वो कैसे करें। तो क्या होता है, हम इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं, हमारे माइंड में हमारे गोल की क्लैरिटी नहीं होती कि हमें चाहिए क्या। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको मसल बिल्ड करने जिम जाना है, आपको पावर लिफ्टिंग करने के लिए जिम जाना है, आपको बॉडी बिल्डिंग करने के लिए जिम जाना है, या फिर आप कोई एक एथलीट है जो कोई एक स्पोर्ट खेलते हैं उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट के लिए जिम जाना है। सपोज आप जैसे क्रिकेट खेलते हैं और आप एक बॉलर हैं और आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है बॉलिंग के अंदर, तो आप उसके हिसाब से वर्कआउट करेंगे, उसके हिसाब से एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स करेंगे। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, जो आपको बात समझनी है यहाँ पर, वो ये है कि आपके माइंड में आपके गोल क्लियर होने चाहिए, आपको फिर डाइवर्ट नहीं होना है। अगर आप मसल बिल्डिंग करने जा रहे हैं तो आपको फिर किसी पावर लिफ्टर को अच्छा खासा वेट उठाते देखते हुए डाइवर्ट नहीं होना है, और अगर आपका एम पावर लिफ्टिंग है तो फिर आपको बॉडी बिल्डिंग की तरफ नहीं जाना। तो ये एक पॉइंट है जो जिम जाने से पहले ही आपको क्लियर होना चाहिए, इससे आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेकंड पॉइंट। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जिम जाते हैं तो आपके पास जिम जाने से पहले ही एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप अपना सारा वर्कआउट प्रोग्राम लिखें। लिखने का फायदा क्या होगा, जब भी हम जिम जाएंगे तो हमारे पास एक डेटा होगा कि हमने पिछली बार कितना वेट उठाया या हमारी पिछली बार क्या स्पीड रही थी, क्या टाइमिंग आई थी। अगर हमने फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने 100 मीटर की एक स्प्रिंट लगाई तो उसके लिए क्या टाइमिंग आई थी, हमें कितना जाना है, तो जब एक डेटा होगा आप पिछली परफॉर्मेंस अपनी देखेंगे तो आपके प्रोग्रेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जब आपके पास एक रिटन प्रोग्राम पहले से ही होगा, अगर आपका डायरी में वर्कआउट प्लान लिखा हुआ है तो आपके पास जिम में जाकर फोकस्ड होकर वर्कआउट करने का टाइम ज़्यादा होगा। वहीं अगर आप जिम में जाकर ये सोच रहे हैं एक एक्सरसाइज करने के बाद अब हमें करना क्या है, तो उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है और हम इतना फोकस्ड होकर वर्कआउट नहीं कर पाते। और अगर आपका पहले से ही लिखा होगा तो आप फोकस्ड भी रहेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो आपके पास एक डायरी होना चाहिए अगर आप सीरियस हैं अपने गोल को लेकर, अपने एम को लेकर। आगे आने वाली वीडियोस में हम बात ये भी करेंगे कि हमें वर्कआउट प्लान कैसे बनाना है, क्या हम वर्कआउट प्लान में डाल सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज किसके लिए ठीक होती है, या फिर हमें क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए मसल गेन के लिए या वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए, किस किस तरीके की हमें डाइट अपनी बनानी है, कैसे बनानी है, उस सब पर हम बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। इस सीरीज़ में हम सारी उन चीज़ों को कवर करेंगे जो बिगनर्स के लिए जानना ज़रूरी है, और विदाउट नॉलेज वर्कआउट करना अपनी मेहनत को वेस्ट करना है। उसको डायरेक्शन जो देगी वो नॉलेज ही दे सकती है। तो हम आने वाली वीडियोस में सारी उन चीज़ों पर बात करेंगे जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करने में मदद करेगी। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। ये पॉइंट है कि जब भी हम जिम चूज़ करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। हम सप्लीमेंट पर अच्छा पैसा लगाते हैं, हम खाने की चीज़ों पर, या फिर हम उन शॉर्टकट्स पर अच्छा पैसा लगा देते हैं जहाँ जो हमें प्रॉमिस करते हैं कि एक महीने में इतना हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट हम ट्रू नॉलेज पर पैसा बहुत कम लगाते हैं। कहने का मतलब ये है, कभी भी आप जिम जाएंगे सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो वहाँ के ट्रेनर्स हैं वो वेल एजुकेटेड हों, उन्हें पता हो कौन सी एक्सरसाइज कैसी है, और सब उससे भी ऊपर वो आपको अच्छे से मदद कर सके विदाउट प्रोवाइडिंग एनी शॉर्टकट। अगर आपको पहले से ही नॉलेज है एक्सरसाइज के बारे में तो आप ऐसा जिम चूज़ करेंगे जहाँ पर आपके हिसाब के इक्विपमेंट्स हों, जो भी आपको इक्विपमेंट्स पसंद है, जैसे भी आपको चीज़ें पसंद है वो उस जिम के अंदर होने चाहिए। तो ट्रेनर का आपको खास ध्यान रखना है अगर आप बिगिनर हैं और आपको खास कोई नॉलेज नहीं है।
वरना तो आप कोई भी जिम चूज कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से चार ऐसे मूवमेंट है जब भी आप जिम के अंदर एंटर करते हो वो आपको किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मूवमेंट्स नहीं आती तो ये समझेगा कि आपका हर एक्सरसाइज के अंदर पोस्चर बिगड़ेगा और आप टारगेटेड मसल को अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।